बज रहे हैं 5:30 और कॉलेज से लौट रहा हूँ अभी घर। एग्ज़ाम्स हो गए जूलॉजी के, अभी सिर्फ 2 ही पेपर बचे हैं। आज सुबह कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि रिवीजन थी और व्लॉग में थोड़े से चेंजेस करने थे जो आज अपलोड करना है मुझे। अभी अभी बारिश आके गई यहाँ पे, बस में था तभी आई थी एक्चुअली, लेकिन जैसे उतरा वैसे ही रुक गई। मानसून तो अभी तक आया है नहीं, अभी ये बारिश सिर्फ ऐसे ही हो रही है। 3 days later. वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग गाइस। फाइनली पेपर्स खत्म हो चुके हैं, एग्जाम पूरी तरीके से एंड हो चुकी है और अभी इस छुट्टी की पहली ट्रिप, मतलब और कौन सी हो सकती है, एकदम स्पिरिचुअल जगह पे जाने वाला है, बाबू मामा के बगा नंबर 9 पे। सो वो पिछले वाले व्लॉग्स आपने बहुत ज़्यादा पसंद किए, मतलब लिटरली मैं कॉलेज में भी गया तभी एक दो लोगों ने मुझे कहा कि हमने वो ब्लॉग देखे और बहुत बढ़िया लगा मुझे वो सुन के। तो वहीं पे जा रहे हैं अभी और शाम का रादर रात का वक्त है, पूरा तैयार होके 9:15 वहाँ पे निकल रहे हैं। यहाँ पे आने के लिए ये एक रोड है और एक रोड है, हम ये रोड प्रेफर करते हैं, लेकिन यही दोनों रोड पे बहुत ज्यादा सिग्नल्स है। तो अभी इन भाई साहब को लेफ्ट जाने का मूड आया। ये अभी मेट्रो का काम चल रहा है, पूरा कातरज एरिया है ये और पूरा यहाँ पे भी, तो इसकी वजह से भी हालांकि बहुत ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन ये हो जाने के बाद बहुत ज्यादा सॉर्ट आउट हो जाएगा। डेक्कन में हमने देखा ही वो चौक कितना खाली है देखो, हम मतलब ये चौक यहाँ इतना एक्सपेक्टेड ही नहीं है गाइस, ये इतना खाली होना, छत्रपति शिवाजी महाराज प्रवेश द्वार के ये बगल वाला है चौक। लास्ट टाइम ये हम 2 घंटे अटके, हाँ ये पूरी लाइन गाइस ट्रैफिक था, फुल ट्रैफिक पैक था, यहाँ पे जाम था। पहली बार मैं ऐसे बाहर ट्रैक पैंट पहन के निकल रहा हूँ, मतलब ऐसा कभी भी बाहर निकलता नहीं है ना। अभी बोला तुमको ये क्या, लेकिन वैसे भी अभी जाना है खेत में ही और वो यहाँ के मॉडर्न कपड़े पहन के, क्या वैसे भी ये मॉडर्न ही है, वैसे तो उस हिसाब से तो धोती पहन के जाना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम वो करेंगे। वहाँ पे जाके एक खासियत तो है गाइस कि मतलब आप कभी भी जाओ वहाँ पे आपको प्रसाद दिया जाता है, तो वो उस जगह की खासियत है। वो पहुँच चुके हैं अभी पे, लेफ्ट में है मेंडी माउली, अभी तो कुछ दिखेगा नहीं, दर्शन का तो अभी बंद है। रात के 12:30 बज रहे हैं और सभी लोग यहाँ पे ऑलरेडी सो चुके हैं, हम भी यहीं पे कहीं पे तो अब सो जाएंगे, है ना। कितनी शांति है देखिए यहाँ पे, ये जो बहुत बड़े बड़े बर्तन हैं इनमें खाना बनाया जाता है, उसमें अंदर बाल्टी रखी है देखिए, मतलब इस बाल्टी के रेडियस कितनी छोटी सी लग रही है देखिए इस पूरे बर्तन के हिसाब से, और ऐसे कई शहरों में बनाया जाता है, इसमें अभी भी चालू है कुछ तो। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 7 और हम फ्रेश हो चुके हैं अभी, बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पे, लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है अभी। तो चाहिए चाय, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये जो बस स्टॉप है यहाँ पे, इसके अगल बगल में बहुत सारी शॉप्स है, तो हमने सोचा कि चाय का भी कुछ इंतजाम हो जाएगा, गांव का यही मुझे मजा आता है। वैसे पालकी का लोकेशन फिर से चेंज हो चुका है, सो अभी ये ब्रिज के लेफ्ट साइड में है हम और पालकी राइट साइड में। पालकी के लिए जाते हुए ऑन द वे ही हमको एक ब्यूटीफुल लेक लगता है, तो कल रात से हमारा डिसाइड हुआ था कि यहाँ पे आएंगे और सुबह का मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग से अच्छा वक्त यहाँ पे आने के लिए और कौन सा हो सकता है ना। बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन रामदरा टाइप एक इस लेक को फील आ रहा है मुझे। उस साइड देखिए नारियल के पेड़ वगैरह है। ये जो लोकेशन है ये ज़्यादा सिटी से डिटैच नहीं है, अभी वैसे जहाँ पे वो रुके है वो खेत भी नहीं है, वो तो एक ग्राउंड है बस, प्ले ग्राउंड टाइप, मतलब खेलने का होता है ना क्रिकेट का वगैरह, वैसा है वो। ये फोटोग्राफी के लिए कितना बढ़िया है देखिए, है ना, बीच में कमल के फूल है, बहुत सारे पंछी है। लास्ट टाइम अक्षु महीने के वो डॉग्स के फोटोज निकले थे ना, हाँ। वो सबको इतने पसंद आ गए, हाँ, प्रिंट आउट भी निकाल के दे लिया। तो यहाँ पे पीछे सारे घर आप देख सकते हैं, यहाँ पे है हाईवे, 150-250 मेंढी होगी यहाँ पे, है ना, हाँ। सुबह का यहाँ पे प्रवचन टाइप शुरू हो चुका है अभी,
के जीवन पर। भालू मामा के जीवन में जो भी घटनाएं हुई थी वो यहाँ पे बताई जा रही है। आप लोग भालू मामा के समूह में क्या खड़ा खाली बसते हो? भालू मामा ने एकाला संगीतला रे दुमार ची बेड़ा है तान लगली कुणाकडे ताक असले तर आना तीन तांबे ताक मिळाले माणसं सात आणि ताक तीन तांबे कसं पुरणार कुणाला द्यायचं दोन तरी ओलं होईल या सात लोकांनी बाळू मामाने आज्ञा केली वाटा वाटा कमी पडणार नाही सगळ्यांना पोटभर प्यायला देऊन अर्ध ताक शिल्लक राहील रिद्धी सिद्धी दासी अंगण झाडीत मामाच्या समोर रिद्धी सिद्धी हात जोडून उभ्या असायची। पालखी के बगल में श्री गणेश मंदिर है। ये तो मतलब इतना बढ़िया है कि दोनों तरफ से बिल्कुल पेड़ों से घिरा हुआ। पांच मिनट में यहाँ पे लगभग आरती शुरू होने वाली है। सो उनका माइक टेस्टिंग चलता है उसके पहले, तो उसके बाद आरती होती है यहाँ पे, है ना। इस बार तो मैदान मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ा और खुला है, आप देख सकते हो। पाटस गांव में ये प्रॉपर आता है, लेकिन पाटस गांव के थोड़ा सा बाहर के एरिया में है। गांव में तो इतना बड़ी मात्रा में कर नहीं सकते ना, तो इसके वजह से थोड़ा ये। और वैसे बाबू मामा भी गांव में नहीं लगाते थे यूजुअली, वो भी बाहर ही लगाते थे गांव के, ताकि खेत मिल सके और मेंढी माउली को खाना वगैरह मिलना चाहिए। तो वो सब घास वगैरह हो ऐसी जगहों पे वो लगाते थे। आइए चलते हैं आरती के लिए। बज रहा है 9:30। यहाँ पे बगा पे या फिर पालखी पे कैसा वक्त गुजर जाता है ना, वह पता नहीं चलता। मतलब हमारे रेगुलर सिटी लाइफ में अभी हम ऑफिस के या फिर कॉलेज के शेड्यूल में होते, लेकिन अभी देखिए अभी हम पूरा यहाँ पे है और यहीं पे यही की लाइफ जी रहे हैं, है ना। यहाँ भी है गरीबी लेकिन एक अलग फील अलग है। हाँ, मतलब काम यहाँ पे उल्टा ज्यादा है वहाँ से। यहाँ पे बॉडी के काम ज्यादा है, मतलब बॉडी वर्क ज्यादा है यहाँ पे, है ना। अभी यहाँ पे हमको एक सर्वे करके बता रहे थे कि यहाँ पे कितने भी लोग आ सकते हैं, मतलब 25,000 1,00,000 तक लोग भी यहाँ पे आते हैं एक दिन में। सो वो भी पॉसिबल है। सो यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में प्रसाद बनाया जाता है कि मतलब एक आदमी का वो काम नहीं है, वो सारे मतलब लोग मिल के वो करना पड़ता है, तब जाके वो होता है। लास्ट टाइम 70,000 आए थे, हम आए थे। और आज भी मतलब वो बोलते हैं कि पता नहीं कितने आएंगे, हमको मैक्सिमम उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए, कम नहीं पड़ता है किसी को। हाँ, कितने भी आए। हाँ।